दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है चमेली प्लांट के ऊपर। इस नाम को मैं बहुत बार किताबों में पढ़ चुका था, फेसबुक में या यूट्यूब में बहुत बार इस प्लांट को देखा था, लेकिन फिज़िकली मैंने इस प्लांट को कभी देखा नहीं और इसको ग्रो भी नहीं किए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि इस प्लांट को कलेक्ट करने के बाद, इसको ग्रो करने के बाद मैं एक वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँ। दोस्तों तकरीबन 6 महीना पहले मैंने इस प्लांट को, एक छोटा सा पौधा नर्सरी से ख़रीदे थे, उसके बाद मैंने इस प्लांट को लगाए थे। हालांकि इसका जो हम लगाए थे अप्रैल में लगाए थे, अभी सितंबर महीना चल रहा है और उस वक्त आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग भी आए हैं और बहुत सारा छोटे छोटे 150 बर्ड्स भी है। और इसका दोस्तों और एक येलो वर्शन भी आते हैं, लेकिन बहुत सारा वीडियोस में इसका जो येलो वर्शन दिखाए गए हैं उसमें गलत प्लांट का आइडेंटिफिकेशन किए गए हैं, मतलब कि दूसरा प्लांट इस तरह कुछ मिलता जुलता होगा, लेकिन जो ओरिजिनल चमेली प्लांट है वो यही है। अब इसका पत्ता अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर नर्सरी से आपको ख़रीदना होता है तो आपको इसी प्लांट को दिखाना है। और इस प्लांट का जो महक है, जो खुशबू है, बहुत ही शानदार है। आप अगर छत पे लगाते हैं तो दूर से भी इसका महक आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही एक फ्रेग्रेंट फ्लावर है और बहुत ही एक सेंटेड है, और इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत ही तेज़ी गति से इसका ग्रोथ होते हैं। इसका उम्र केवल 6 महीना है। 6 महीना पहले जब मैं इस प्लांट को ख़रीदा था तो इतना देखने से कुछ इस तरह का था। देखिए दोस्तों, बहुत ही दुबला पतला, इस तरह का मैंने 4 प्लांट ख़रीदा था। इनमें से 2 प्लांट को मैंने लगाया था और 2 प्लांट मेरा एक लोकल सब्सक्राइबर आके लेके गए मेरे से। इस तरह प्लांट लगाना बहुत आसान है और इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत हाई होता है, मतलब कि बहुत जल्द बड़े हो जाते हैं। और इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स मैंने यूज़ किए थे उसमें लिए थे दोस्तों 50% प्लेन गार्डन सॉइल, 20% भर्मी कंपोस्ट और काउडंग, 20% आपको लेना है कोकोपीट। और इसके साथ अगर आपका पॉट 8 इंच का है तो इसमें से आप ऐड कीजिए 25 ग्राम नीम केक और 25 ग्राम बोन मील। इस तरह का पॉटिंग मिक्स आप किसी भी तरह जो पेरिनियल प्लांट है, जो कि आपको आउटडोर छत पे ओपन सनलाइट रखना है, आप इस तरह का पॉटिंग मिक्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पॉटिंग मिक्स आप यूज़ करने के बाद तकरीबन 45 डेज़ के बाद ही कुछ एडिशनल फर्टिलाइजर इसमें यूज़ कीजिए। उसके आगे इसमें आपको कोई किसी तरह का फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो प्लांट है, एक ट्री आप इसको बोल नहीं सकते, एक टाइप का श्रब है, मतलब के इसका जो ग्रोथ है एकदम क्लिपर भी आप नहीं बोल सकते, एकदम ट्री भी नहीं बोल सकते। इसका लंबाई उतना होता नहीं, लेकिन आपको इसको प्रून करके रखना है। अगर आप इसको प्रून नहीं करेंगे तो तकरीबन ये क्लिपर का आकार धारण कर लेगा। तो आप बीच बीच में इसमें जो भी घास फूस आए तो उसको आपको साफ करना है। और इस तरह देखिए, मेरा जो प्लांट लगाने का तकरीबन 1.5 महीना बाद कुछ इस तरह लुक इसका था, जो कि देखिए कितना घास फूस आ गए थे। तो आपको इस तरह का बारीकी से सफाया करना है, आपको इतना बर्न नहीं देना है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वो वीडियो का क्लिपिंग्स करके रखा था ताकि आपको भी पता चले जो क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस तरह 6 महीने में मुझे बहुत बार इस तरह सफाई करना पड़ा, लेकिन मैं आपको एक ही बार दिखा रहा हूँ ताकि आप भी, आपका जो प्लांट है, आप इस तरह का ख्याल रख सकते हैं। हर 1.5 महीने का अंतर अंतर आप इसमें एडिशनल फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए। आप चाहे तो 20 दिन का अंतर अंतर लिक्विड मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके आपको पॉसिबल नहीं है या तो संभव नहीं है तो आप 1.5 महीने का अंतर अंतर इसमें मिक्सर फर्टिलाइज़र आप यूज़ कीजिए। अगर आपको मिक्सर फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो उसके लिए आपको लेना है बोन मील, नीम केक और मास्टर्ड केक का एक मिश्रण आप बनाइए 2:1:1:1 करके, और उसी मिश्रण का आप 50 ग्राम करके आप तकरीबन 45 डेज़ का अंतर अंतर आप दीजिए। और बीचों बीच आपको इस प्लांट को प्रून करना है ताकि इस प्लांट एक स्वाभाविक साइज़ में रहे और इसका कोई जंगल जैसा लुक ना बने। इसीलिए आपको प्लांट को बारीकी से बीचों बीच आपको इस तरह का प्रून करना है। मैंने महीना में एक दिन करके इसमें एज ए प्रिकॉशन फंगिसाइड और नीम ऑयल का स्प्रे किए थे, इसलिए मेरा प्लांट देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी और ब्राइट है और हर पत्ता एकदम ग्रीन है। और प्लांट जब इसमें फ्लावरिंग आए थे, प्लांट को लगाने का 6 महीना बाद
आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल लुक कुछ इस तरह था। हालांकि सभी ब्रांचेस में बर्ड्स थे और कुछ ब्रांचेस में जो फ्लोरिंग हुई थे आप देख सकते हैं पूरे प्लांट का। केवल 8 इंच का पॉट है मेरा पॉट साइज़, और 8 इंच का पॉट में इसका जो ग्रोथ आप हेल्थ देख सकते हैं तकरीबन ठीक है। मतलब कि जो जो मैंने यूज़ किए थे आपको बताया है, आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको भी इस तरह हेल्दी प्लांट मिलेगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको चमेली के इस प्लांट के ऊपर किसी भी तरह सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका सभी उत्तर मैं दे सकूँ। और आपके लिए भी शुभकामनाएं कि आपका भी गार्डन अच्छा रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।